मैं आप सभी प्रिय दर्शकों और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है। आज आप समय मिले तो कोशिश करें कि अनाथ आश्रम में जाकर उनकी जरूरत के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ डोनेशन जरूर करना चाहिए और हो सके तो रुद्राभिषेक भी कराएं। आज 24 फरवरी और रविवार है। चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र के तुला राशि में रात को 10:01 तक रहेंगे और उसके बाद रहेंगे तो तुला राशि में लेकिन विशाखा नक्षत्र में। फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि आज पूरे दिन रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग भी हमें लाभ देंगे, जैसे बुध आदित्य योग और महालक्ष्मी योग का लाभ मिलेगा। वहीं मेष कर्क तुला और मकर राशि वाले लोगों को रोचक योग का लाभ मिल रहा है। अगर आप आज कोई खरीदारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करना चाहते हैं, कोई फैसला है, मीटिंग है, कोई भी प्रकार का स्पेशल कुछ काम करना है, उसके लिए आप चाहें तो समय नोट कर सकते हैं। यह समय सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक या फिर दोपहर 3:15 से 4:15 बजे तक कर सकते हैं। कोशिश करें कि दोपहर को 4:30 बजे से शाम के 6 बजे तक राहु काल के समय ये काम न करें। आज शुक्र रात को 10:44 पर अपने मित्र मकर राशि में मित्र की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मैं आज चंडीगढ़ में हूं, 2 और 3 मार्च को देहरादून में रहूंगा, 7 और 29 मार्च को दिल्ली, 16 मार्च को नागपुर और 17 मार्च को मैं नासिक और 18 मार्च को मुंबई में रहूंगा। इसके अलावा मेरा भारत से बाहर का भी दौरा रहेगा, जिसमें 28 फरवरी और 1 मार्च को दुबई रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लीजिए। हर कल एक बेहतर जिंदगी जीने को दूसरा मौका कहते हैं, यानी अगर हमें बेहतर जिंदगी जीनी है तो कल जो आने वाला है वो एक नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी। इसका बीज हमें आज ही डालना पड़ेगा, आज वैसे ही कल निकलेगा। आप कार्यक्रम के अंत में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, वो है नजर दोष का उपाय। और वहीं सुख सौभाग्य सूत्र में आप जानेंगे कि घर वालों के बीच हुए मतभेद को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मेष राशि के मंगल रहेंगे, कर्क राशि के राहु रहेंगे, तुला राशि में चंद्रमा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था महालक्ष्मी योग यानी चंद्र मंगल का दृष्टि संबंध से बनेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेंगे, शनि धनु राशि में, शुक्र जा रहे हैं केतु के साथ, सूर्य बुध कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे मैंने आपका राशिफल तैयार किया और ये राशिफल आपकी जन्म की जो चंद्र राशि है और साथ में आपके लग्न पर आधारित होगा। शुरुआत मेष राशि से। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर समय का ध्यान अपने जीवन साथी के साथ संबंध को बेहतर करें। मान लीजिए आपकी पत्नी है या पति है, उनके हेल्थ इश्यूज है, उनके पर्सनल कोई इश्यूज है, कोई कोल्ड वॉर है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर आज आपका विचार होना चाहिए। पुरानी बातों को जीवन साथी के साथ बैठकर वीकेंड का आनंद लीजिए, मजा लीजिए और उसे दूर करिए। आपस में बातों से शेयर करने से निश्चित रूप से तकलीफें दूर होती हैं। आज आपको पैशन और फैशन दोनों प्रकार के काम करने चाहिए और किचन के कार्यों में हाथ बढ़ाना चाहिए अपनी पत्नी का। स्वयं की उनकी पसंद की रेसिपी बनाएं, अपने आप को एक घरेलू वातावरण में डालने की कोशिश करें। प्रेम संबंध के साथ आज आपके कुछ खरीदारी होने के योग हैं जिसमें लाभ मिलेगा। पुराने दोस्तों से पढ़ाई में कुछ फायदा आज आपको जरूर होगा। आज आपको घर में बैठकर पढ़ाई ना करके किसी बाहर जगह पर जाकर पढ़ाई करने से लाभ ज्यादा मिलेगा। स्टूडेंट को खुला आसमान के अंदर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं डाइजेशन को लेकर आज परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा स्पेशल केयर करें। लकी कलर रेड, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट KOR है, AN से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना कर्ज कैसे कम करें। वह कर्ज जरूरी नहीं क्योंकि धन रुपए का ही कर्ज होता है, किसी का एहसान के तले हम दबे हैं वो भी एक कर्ज है, उसे चुकाना आज आपके लिए जरूरी होगा। वहीं सप्ताह भर की थकान, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक अशांति या कोई भी प्रकार की चिंता या जैसी भी चीज है वह आज दूर करने के लिए आज आपको एक दूसरे की मसाज करनी चाहिए, जैसे बेटा पिता की, पिता बेटे की, इस प्रकार से जो भी आपकी बॉन्डिंग जैसी है आपको करना चाहिए। इस संडे को फन डे बनाना आपके लिए आज बहुत अच्छा रहेगा। ऑफिस की बहसबाजी, काम की टेंशन, रुपयों की चिंता आज भूलकर आज कुछ रिलैक्स होकर काम करना चाहिए। आज कोशिश करें कि घर में कम और घर से बाहर ज्यादा रहा जाए।
इसमें लंच या डिनर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के तौर पर बाहर जगह पर मना सकते हैं, उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करें, बनाएं, मजा आएगा। वहीं प्रेम संबंध में आज कुछ हद तक तनातनी हो सकती है, कोशिश करेंगे इससे दूर रहा जाए। आज हर प्रकार से आपको हर चीज में सकारात्मक सोच रखने से आज का दिन बेहतर होगा। स्टूडेंट को भी यही काम करना चाहिए और जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर देना चाहिए 12 बजे तक, उसके बाद आप दूसरे काम में लगें। मसल पेन और अनिद्रा आज परेशान कर सकती है। लकी कलर पिंक। नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट CJP है। RS से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर ध्यान अपनी एजुकेशन की तरफ होना चाहिए, यानी शिक्षा। अब शिक्षा, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं ये सोचूं मुझे क्या पढ़ाई करने की जरूरत है, तो मुझे अपने फील्ड में ज्यादातर और बेहतर कैसे ज्ञान प्राप्त करूं, इसका विचार आपको करना चाहिए। आज अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर से बाहर वक्त बिताना चाहिए और पिकनिक स्पॉट पर जाएं, खुद खाना पकाएं, मजा आएगा आपको। वहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर समय आप अपने किसी अच्छे काम में व्यतीत करें। प्रोजेक्ट का वर्कलोड घर पर न लेकर आएं, चाहे आपके ऑफिस हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, इसकी घर पर बहसबाजी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैं कई बार जिक्र करता हूं कि ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल को ऑफिस के टेबल न बनाएं। अगर कुछ जरूरी है तो अपने फैमिली के साथ घर पर बैठकर विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं एक बात का आज ख्याल रख रहे हैं कि आज हर हाल में अब हमें पैशन और फैशन दोनों प्रकार के काम करें। हेयर स्टाइल को और बेहतर करिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को और बेहतर करिए, कुछ अच्छी चीजें खरीदने का आज आपको मौका मिलेगा, लाभ मिलेगा। लवर के साथ सनसेट पॉइंट पर जाने या फिर किसी हरियाली बहते हुए जल के आसपास जाने से आज आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी। मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। हर हाल में उन पलों को याद करें जिसने आपको खुशनुमा पल दिए थे। स्टूडेंट को भी अपने तनाव से बाहर निकलने के लिए बढ़िया एक अच्छी धूप में जाकर या गार्डन में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिले, करके देखिए आज। फिर पुनः अध्ययन में आपको ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा रहेगा। शरीर में पहले से बेटरमेंट हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लकी कलर ग्रीन। नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट EMV है। GT से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने माताजी के स्वास्थ्य और उनका आशीर्वाद को प्राप्त करने की तरफ होना चाहिए। वैसे मैंने आपको फरवरी माह के मंथली राशिफल जो मैं अलग से बताता हूं उसमें बताया था कि 24 फरवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक मानसिक अशांति दे दे, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, कूल रहें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा होने से हो सकता है कि आज आप घर पर काम करें, और ऐसा जरूरी है तो जरूर आपको काम करना चाहिए 12 बजे तक। उसके बाद आप अपने बच्चों, दोस्तों और परिवार को समय दें और पैशन और फैशन का काम जरूर करें। आज पूर्ण रूप से संडे को फन डे बनाने की कोशिश करें, रिलैक्स रहें, एंजॉय करें। आपका जीवन साथी आपकी समस्या को समझ पाएंगे। आज आपकी हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रेम संबंधों को और बेहतर करें। अगर आपके बच्चों के एग्जाम हैं तो उनके साथ आप पिकनिक पे जाएं, वहीं पर बैठ के घंटे 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, किसी ऐसी जगह पर जो घर से दूर हो, शांत वातावरण हो, मजा आएगा। वहीं प्रेम संबंध में आज कोई भी वादा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है आने वाला टाइम में वो वादा आप निभा ना पाए और किसी और की कहा सुनी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे। स्टूडेंट एग्जाम के समय नींद का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि नींद जब हम नहीं ले पाते हैं बराबर, तो उसके बाद हमें जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है, इसमें इंसोमनिया की बीमारी की भी संभावनाएं बनती है। लकी कलर मैरून। नंबर 8 है, शुभ है, शुभ अल्फाबेट BLO है। JK से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पराक्रमी माने, अपने आप को सम्मान देने की कोशिश करें, तब हमें दूसरे लोग सम्मान देंगे। आज अपने परिवार वालों से, दोस्तों के साथ निश्चित रूप से घर से बाहर जाने की कोई प्लानिंग करें और उससे लाभ मिलेगा, वो भी आप दोपहर को 1 बजे के बाद जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आज कोशिश करनी चाहिए कि आज अपने कल से जो अगले 6 दिन तक आपको काम करना है, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, उसके अंतर्गत आज आपको प्लानिंग करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का वक्त देना चाहिए। संडे के दिन को बर्बाद करने से बचना चाहिए। जबरदस्ती की नींद और ज़्यादा नींद लेना, फालतू बैठे रहना, टाइम खराब करने से अच्छा है। आज आपका चंद्रमा ठीक है, इसलिए आपको टूट फूट जो भी घर में है या किसी इक्विपमेंट में है तो उसे ठीक करने के लिए आज आपके पास परफेक्ट वक्त है। मौज मस्ती के साथ साथ आज आपको बहुत कुछ सीखने और सिखाने का मौका भी मिलेगा। व्यर्थ के तनाव और मूर्खों की सभा में भाषण देने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आदमी कुछ गलत बात कहते हम उसकी जबरदस्ती जवाब दे रहे, वो नहीं होना चाहिए। आपको खुशी के पल आज बहुत मिलेंगे और निश्चित रूप से आपके मैरिटल लाइफ और लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, रोमांटिक भी रहेगी, लेकिन
इसमें अहमियत इस चीज़ की होनी चाहिए कि आप दोनों के एहसास प्रॉपर होने चाहिए, एक दूसरे को समझने का काम करें, शक न पैदा करें। लवर के साथ पिकनिक स्पॉट पर जाएं और अपने माता पिता को भी इस बात का शेयर करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई में आ रही दिक्कतों का काफी हद तक समाधान कर सकेंगे। स्वास्थ्य का नियमित चेकअप करना आज आपके लिए ठीक रहेगा। आज कोशिश करें कि हो सके तो आप प्रॉपर अपने बॉडी में ब्लड टेस्ट करवाएं। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट डी एम आर है, सी पी से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर ध्यान अपने फाइनेंस की तरफ होना चाहिए, धन की तरफ होना चाहिए। फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाएं, जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी बातों को गौर से सुने और समझें। बच्चों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, संडे को पूरा फंडे मनाने की कोशिश करें। पेरेंट्स के साथ समय जरूर बिताएं और उनको किसी धार्मिक स्थान पर लेकर जाना चाहिए। आज अगर आप कुछ खर्च कर सकते हैं तो अपने माता पिता की पसंदीदा चीज उन्हें लाकर भेंट करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि आज आप जो भी परिवार में कोई बीमार है उसका प्रॉपर चेकअप होना जरूरी है। लव लाइफ है, आज लव पार्टनर के साथ प्यार का इजहार होगा, प्रपोज करने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है और एक बॉन्डिंग और गहराई में जाएगी। स्टूडेंट आज फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का प्लान रहेगा और मज़ा भी आएगा आज आपको। वहीं स्टूडेंट के लिए एक टाइम और अच्छा है कि आप घर से बाहर रहकर अगर पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ए आई एम है, वहीं डी एच से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज़्यादातर ध्यान अपने विवेक यानी कॉमन सेंस पर होना चाहिए। आज आपको तोल बल्क और बोल की भाषा को अपनाना चाहिए। वीकेंड के दिन यानी संडे को अपने प्रियजनों की बातों को माने और अपने वर्चस्व स्वभाव को या उसके अपने क्रोध स्वभाव को दिखावा बिल्कुल भी न करें। आज एंटरटेनमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है, इसमें आप मूवी देख सकते हैं, घर परिवार के साथ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और कोई म्यूजिक डांस कुछ अलग तरह की चीज़ पैशन और फैशन की सीखने के लिए आज परफेक्ट दिन है। वहीं पर्यटक स्थल पर आज घूमने जाना चाहिए और वो भी जल स्थान या किसी हरियाली की जगह पर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज एक दिन मिलता है जिस दिन हम अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपने घर परिवार के ठीक ठाक करने में, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। आज अपने समय को ज़ाया मत होने दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा दिन रहेगा, बहुत अच्छा दिन है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। आज कोई ऐसी चीज़ खरीदी जा सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक से संबंधित है, बहुत लाभ मिलेगा। लव लाइफ है, आज आप लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे और निश्चित रूप से एक हसीन शाम आपकी होगी। लव लाइफ की अंतर्गत एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं या आपको वो झूठ बोल रही है या बोल रहा है, वह आज खुलासा हो सकता है और इससे नुकसान होगा। स्टूडेंट को शॉर्टकट का परित्याग करना चाहिए और जल्दीबाजी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बेटर है कि जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद दूसरे काम में लगना चाहिए। आज दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके बहुत लाभ मिलेगा। बाहरी खान पान से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, इससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। लकी कलर ब्लू, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एफ एल आर है, ओ एस से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर ध्यान आए हुए खर्चों को आप कैसे पूरा कर पाएंगे, कौन से तरीके से हमें आमदनी होगी, किससे पैसा आएगा, किस तरीके से आप अपने इस खर्चे को कर पाएंगे और इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। वैसे मैंने आपको फरवरी माह में जो मंथली राशिफल मैं अलग से देता हूं उसमें बताया था कि 24 फरवरी को चंद्रमा आपके 12वें रहेंगे, जो हो सकता है कि आज आपको कुछ मानसिक अशांति दे दे, तो अपना और अपनों का ख्याल आज जरूर रखें। एक दिन अपने परिवार के साथ जरूर बिताना चाहिए और खुद को छोड़कर दूसरों की तकलीफों को दूर करने के बारे में आज विचार करने से मन बहुत प्रसन्न होगा और फैमिली के साथ खुद खूब आप एंजॉय करेंगे। आज आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए जो दिल में दबाव था, चाहे वो पतंग उड़ाने का हो, क्रिकेट खेलने का हो, घर में खाना पकाने का हो, ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है जो पैशन है वो जरूर करना चाहिए, चाहे वो गिटार बजाना हो, संगीत के लिए हो, मूवी देखने, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के लिए आज परफेक्ट दिन है। आज आपकी दोपहर बहुत अच्छी होगी, उससे शाम रंगीन हो जाएगी। लव लाइफ में आज आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि किसी और की वजह से आपका झगड़ा हो सकता है। वहीं कई बार ऐसे लोग भी हैं जो आपके प्यार से दुखी हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए शिकायत कर सकते हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट वीकेंड का पूरा सदुपयोग करें और आज रिवीजन और ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलेगा। थकान और शरीर दर्द की परेशानी थोड़ी सी परेशान करेगी। लकी कलर गोल्डन, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एफ एन वी है, जे पी से दूरी बनाकर रखें, भाग्योदय कारक दिशा उत्तर रहेगी।
धनु राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज्यादातर ध्यान अपने प्रॉफिट की तरफ होना चाहिए, अपने लाभ की तरफ होना चाहिए। बिजनेस में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए आज आपको किसी बिजनेस परिवार से मिलना चाहिए, दूसरे बिजनेसमैन लोगों से मिलना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन से आज आपकी समस्या का हल होगा। घरेलू आइटम की खरीदारी या कोई जरूरी आपके काम की चीज़ है एक परिवार के लिए, वो आज खरीदने का दिन रहेगा। कुछ बातें आपके जीवन के लिए अच्छी साबित होंगी और कुछ नहीं भी होगी, आज मिले जुले फल मिलेंगे। वहीं लव लाइफ में आज अचानक कोई पुरानी तकलीफ सामने आ सकती है, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको या आपके परिवार को पसंद नहीं करता है वो किसी प्रकार की आपको तकलीफ पहुँचा सकता है। इसे छोटी छोटी बातों से आपको ध्यान नहीं देना चाहिए और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। स्टूडेंट को पढ़ाई में अलग से पहचान बनाने के लिए आज अग्रसर होना पड़ेगा और लालची बनना पड़ेगा कि मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है और टॉपर बनना है। मौसम बदलाव के कारण आपको मौसमी बीमारी थोड़ी सी परेशान करेगी। लकी कलर येलो। नंबर 3 शुभ अल्फाबेट BFH है। KT से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को आज अपने पिताजी की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें कोई तकलीफ है, उनकी बॉडी में कोई तकलीफ है, या आपके संबंध उनसे प्रॉपर नहीं है, या किसी प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। वहीं बिजनेस में वीकेंड के दिन सिर्फ और सिर्फ फैमिली को टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर आपको तकलीफ चल रही है बिजनेस में तो दूसरे व्यापारी वर्ग के लोगों से मिलकर आज आप इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं। बच्चों और जीवन साथी के साथ आपको समय स्पेंड करना चाहिए और बच्चों के साथ बैठकर, पत्नी के साथ या पति के साथ बैठकर आपको मसलों को हल करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मन में क्या चल रहा है उनके या आपके मन में क्या चल रहा है, ये दोनों के बीच में कोल्ड वॉर या कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आज आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके दाम्पत्य जीवन जो घर परिवार में सुखद स्थिति होती है तब आदमी बाहर भी सुखी रहता है। यही काम आपको अपने प्रेम संबंधों में भी करना चाहिए, लव लाइफ में। वहीं स्टूडेंट वीकेंड के दिन को जमकर उपयोग करें, खेल कूद का भी ध्यान दें, लेकिन दोस्तों के साथ 2 घंटे रिवीजन के लिए ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन आंसर करिए, बहुत लाभ मिलेगा। आज का दिन फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी विशेष काम के लिए आपको यात्रा करनी है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी कलर व्हाइट। नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट GIK है। RV से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए आज, इसी में लाभ मिलेगा। ऑफिस में कई दिनों से आ रही समस्या का समाधान आज आपकी फैमिली के डिस्कशन के द्वारा हल निकल जाएगा। वहीं आज आपके परिवार में मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, आपको खुद को रह रहकर अननोन फियर, एक अकेलापन, एक अजीब सा डर, चिंता बनी रहेगी। इसके लिए आप ग्रुप के साथ अपने दोस्तों और मित्रों, परिवार के साथ कोई डिनर पर जाइए, पार्टी करिए, कोई खाना खुद पकाने की कोशिश कीजिए, पिकनिक पर जाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वही लवर की बातों से आज आप कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहेंगे। स्टूडेंट के लिए आज का दिन अन्य दिनों के बजाय ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने वाला रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी उठकर पढ़ाई को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे काम करें। आज आपको विशेष कोई टास्क मिल सकता है सभी इन राशि वाले लोगों को, जिसमें एक विशेष रूप से धन लाभ हो सकता है, तो धन की जब बात आए तो तुरंत उस पर काम पर लग जाएं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोगों को मैं चाहूंगा कि आप सावधान ज्यादा रहें। वहीं लकी कलर सिल्वर। नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट CGI है। HS से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपना पूरा ध्यान आने वाले समय में, या आज आपको यात्रा कर रहे हैं तो उस पर पूरा विचार करना चाहिए। वैसे मैंने आपको फरवरी माह के मंथली राशिफल में बताया था कि 24 फरवरी को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति आपको दे दे, तो आज वही दिन है, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें और कूल रहने की कोशिश करें। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप संडे के लिए एक प्लानिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का दिन मान सकते हैं, इसका पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। वही वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लेकर आएंगे। बेहतर भविष्य की योजना बनाना बुरा नहीं होता है, वह बनाना चाहिए। लवर की भावनाओं को समझें। और वही स्टूडेंट को अध्ययन में आ रहे तनाव को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज का सहारा जरूर लेना चाहिए। आज ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान जरूर करना चाहिए। शारीरिक थकान जरूर रहेगी, कमर में दर्द भी परेशान करेगा, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने से वह ठीक हो जाएगा। लकी कलर स्काई ब्लू। नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट EJM है। AS से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। राशिफल के बाद आइए अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बताता हूं जिसका इंतजार आपको शुरुआत से होता है। रविवार के दिन नजर दोष के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। कई बार दुनिया में हमारे अपने दुख से तो लोग कम दुखी है, हमारे सुख से ज्यादा दुखी है, या फिर
हम भी दुखी हैं उसमें भी वो खुश हो सकते हैं। सेडेसिव प्लेजर भी होता है, किसी और को दुखी देख के खुद खुश हो जाता है। ऐसी अवस्था में कई बार नजर भी लग जाती है। तो रविवार की शाम के समय दो मिठाई के पीस या बर्फी, मावे की मिठाई होता सबसे बढ़िया, वो पीड़ित व्यक्ति जो भी व्यक्ति है जिसको नजर है उसके ऊपर से 7 बार उबारना चाहिए, राइट हैंड, राइट आई से लेकर लेफ्ट आई तक। उसके बाद उसे गाय को खिला देना चाहिए उसी वक्त, उसके आसपास के समय। यह काम आप शाम को करें, रात को करें, लेकिन गाय जब हो तब ही करना जरूरी होगा। अब आइए सुख सौभाग्य सूत्र में आज आपके लिए क्या है जानते हैं। भोजन यथासंभव आग्नेय दिशा अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने में करना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके बनाना चाहिए और उसका भोजन करना चाहिए। पूर्व की ओर ही मुख करके भोजन करने से इंसान की पाचन शक्ति मजबूत होती है और भोजन प्रसाद बन जाता है। वास्तु के छोटे छोटे टिप्स अगर हम अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। विशेषकर जो लोग कालसर्प दोष से पीड़ित है, राहु की दशा से पीड़ित है या शनि की ढैया 7.5 से पीड़ित है, उन लोगों को भोजन रसोई घर में ही आग्नेय कोण में बैठकर करना चाहिए। जमीन पर बैठकर लकड़ी के पट्टे रखकर करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आप सभी को ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह मासिक पत्रिका आपको बुक स्टॉल पर मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसे घर बैठे मंगाना चाहें तो जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आपको पोस्ट से, कुरियर या रजिस्टर डाक से मिल जाएगी। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। वहीं आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी के आज के दिन को बेहतर बने, आपकी हर मुराद पूरी हो, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज्ञा लेना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूँ तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए। हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा, 23 यानी 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं के हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे
बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।